है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज किप्ड एट ए डेप्थ ऑफ एच इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट इमिट इज। हमें रेडियस ऑफ सर्कल बताना है कि विच लाइट इमिट इज। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास इस केस में, तो हमें इतना एरिया कवर करना है कि लाइट क्या हो बाहर इमिट ना हो। तो उस केस में हमारे पास ये, हमने ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा सी। ये तभी होता है कि लाइट रे जब इमिट ना हो, ये तभी होता है जब टी आई आर हो, यानी कि टी आई आर क्या होता है एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट देन दैट सिचुएशन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसी केस में हमारे पास एक इंसिडेंट एंगल ऐसा पर्टिकुलर होना चाहिए जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए हमारे पास 90 डिग्री हो जाए और लाइट रे क्या कर जाए ग्रेज कर जाए। तो उसी केस में क्या होता है हमारे पास टी आई आर होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे अगर हम लगाए स्नेल्स लॉ यूज करें, इसकी हाफ पोर्शन को डिस्कस करने के बाद हमारे पास इसकी हम रेडियस भी निकाल लेते हैं। ये दोनों सिचुएशन हो, ये दोनों साइड ऐसी ही सिचुएशन होने चाहिए, यहाँ एंगल 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो हाफ पोर्शन को हम करें तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा एन वन साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास एन टू साइन 90 डिग्री। एन वन क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसको सिंपली हम सोल्व कर ले तो एन वन साइन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एन वन बाय एन टू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि एन वन साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास एन टू इंटू में वन, ये आ गया हमारे पास, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एन टू बाय में एन वन, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एन टू बाय एन वन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटन्यूज। साइन थीटा क्या था परपेंडिकुलर हाइपोटन्यूज, ये आ गया। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एन टू का स्क्वायर माइनस एन वन का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और टेंजेंट थीटा सी अगर निकाले तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आर है और ये हमारे पास क्या है ये वाली जो हाइट है ये एच दे रखी है। तो टेंजेंट थीटा भी क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो पर सॉरी एन टू आएगा यहाँ पे आएगा एन वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एन वन बाय एन टू, तो बेस हमारे पास एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर में बेस होता है यानी कि एन वन डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा अंडर रूट एन टू का स्क्वायर माइनस एन वन का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अगर सेकंड केस से निकाले तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आर डिवाइड बाय में डी, आर डिवाइड बाय में एच, ये आ जाएगा हमारे पास। इसकी डेप्थ एच दे रखी है और ये रेडियस आर यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इन दोनों इक्वेशन को पुट करें तो हमारे पास आर डिवाइड बाय में एच इक्वल टू क्या आ जाएगा एन वन, एन वन डिवाइड बाय में अंडर रूट एन टू का स्क्वायर माइनस एन वन का स्क्वायर, यानी कि रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एन वन एच डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा एन टू का स्क्वायर माइनस एन वन का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब इस रेडियस की वैल्यू में ये एन वन एन टू की वैल्यू और एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा यानी कि आर इक्वल टू एन वन वन है हमारे पास इन टू में एच डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा एन टू में हमारे पास क्या है 4/3 का स्क्वायर माइनस वन, यानी कि एच डिवाइड बाय में अंडर रूट 16 डिवाइड बाय में 9 माइनस वन, यानी कि एच डिवाइड बाय में 16 माइनस 9 डिवाइड बाय में एलसीएम आ जाएगा 9 पूरे का अंडर रूट, यानी कि एच डिवाइड बाय में 7 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 9 पूरे का अंडर रूट, यानी कि एच यहाँ पे एच डिवाइड बाय में रूट 7 डिवाइड बाय में 3 हमने क्या ले लिया रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3h डिवाइड बाय में रूट 7, इतनी क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी जिसमें से लाइट रे क्या होंगी बाहर नहीं निकलेंगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3h डिवाइड बाय में रूट 7।